दिल्ली की सड़कों पर जब जाती हैं, हम भी जाते हैं, रात में हमने देखा है, और भी दिन भी हम दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं, आपको लगता है अब लड़कियां महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? नहीं, नहीं लगता है कि लड़कियां महिलाएं सुरक्षित हैं। बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल भेजो उसमें सुरक्षित नहीं है। जहां देखो वहीं से स्कूल के बैन से, स्कूल से, घर से, तो अब तो घर से बच्चियों को उठाने लगे। नहीं तो कहते थे कि बच्चियों 9 बजे क्यों बाहर घूमती हैं, अब तो घर में से बच्चियां उठाने लगी। तो बच्चियां रहें कहाँ, कहाँ रहें? घर में ना रहें, स्कूल में ना जाएं, तो रहें कहाँ? तो इसका मतलब तो उनका पैदा होना ही अभिशाप है। चलो घटना हो जाती है, जब इंसाफ की बात आती है तो सारे फंडे होते हैं उनको बचाने के लिए कि ये हो, ये टेस्ट हो, वो टेस्ट हो, तो जुगनाइल है, फलान है। लेकिन इंसाफ के लिए कोई नहीं बोलता कि नहीं, हाँ उनके साथ, बच्ची के साथ घटना हो गई, बच्ची मर गई, तो उसके माँ बाप को इंसाफ चाहिए, वो कैसे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज जुगनाइल है उसको बचाने के लिए सरकार खड़ी हो रही है कि हम मुआवजा देंगे उसको, 10,000 रुपये देंगे, मशीन देंगे, लेकिन विक्टिमों के बारे में कौन सोचता है? क्या हमारी बेटी देश की बच्ची नहीं थी? उसका अधिकार नहीं था कि नहीं हम अपने देश में जिए, अपने परिवार के साथ रहें? तो उसको इस बर्बर का के तरह मार दिया गया, रोड पे फेंक दिया गया, और उस दोषी को बचाने के लिए, उसको पुनर्वास के लिए उसको बिजनेस कराया जा रहा है। ठीक है, आप जो भी करो, आप सरकार में हो, लेकिन मेरे बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, समाज को इंसाफ चाहिए, उन बच्चियों को भी इंसाफ चाहिए जो आज उन सबों के बलि चढ़ रही हैं। आप, मैं तो ये कहती हूँ कि उसको क्यों, सारे जुगनाइलों को आप पुनर्वास के लिए मदद करो, बिजनेस खुलवाओ, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बाहर आ जाता है तो हम, आप सरकार हमारे समाज को, उन उम्र के बच्चों को क्या क्या दे रही है? यही दे रही है, राइट दे रही है कि नहीं तुम अपराध करो, तुमको हम मुआवजा देंगे और पुनर्वास नौकरी भी देंगे। तो ये समाज में एक राइट आएगा कि नहीं सारे काम छोड़ के जुगनाइल रेप करेंगे और उनको समर्थन मिलेगा सरकार से। इस बारे में आपकी किसी से बातचीत हुई है क्या? नहीं, मेरी बात नहीं है, मुझे कल सुनने में आया।